सूरत शहर में 12 और जिले में 4 सहित सभी 16 सीटों पर भाजपा ने भव्य जीत दर्ज की है। सूरत शहर में बीजेपी ने एक बार फिर 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दौर में पाटीदार बहुमल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती दी थी, लेकिन आज जिस तरह का नतीजा आया है उसे देखते हुए आम आदमी का सुपड़ा साफ नजर आया है। आम आदमी पार्टी ने 6 सीटों पर मेहनत की। अरविंद केजरीवाल का बार बार सूरत आना और रोड शो करना, जनसभाओं को संबोधित करना, लेकिन इन सब पर नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा करके रोड रोलर घुमा दिया है। नरेंद्र मोदी केवल एक बार रात्रि प्रवास के लिए आए और एक जनसभा को संबोधित कर पूरे माहौल को भाजपा की ओर मोड़ने में कामयाब रहे। पाटीदार आरक्षण संघर्ष समिति के भी आम आदमी पार्टी में विलय के बाद आम आदमी पार्टी और मजबूत हुई है। सूरत शहर में काम किया एक अनुमान के मुताबिक सर्वे की बात करें तो इस बात की पूरी संभावना थी कि सूरत शहर की 2 से 3 सीटें आम आदमी पार्टी हाथ लग सकती है और खासकर वराछा सीट। लेकिन नतीजों पर नजर डालें तो वराछा पर भावनगर जिले के वोटर हैं जो कुमार कानानी के साथ रहे हैं। वराछा सीट से अल्पेश कथिरिया को आप से टिकट दिए जाने के बाद कतारगाम सीट से गोपाल इटालिया भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए खड़े हो गए। आपको भरोसा था कि वह इन 6 सीटों पर माहौल बनाने में सफल होंगी और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की भी कामयाब होंगी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा और आम आदमी पार्टी सूरत की 12 सीटों पर क्लीन स्वीप कर गई है और आम आदमी पार्टी का भी एक भी उम्मीदवार नहीं जीता है।